हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंटर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और हमारा टॉपिक चल रहा है मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड के अब तक हम दो केस कवर कर चुके हैं, दैट इज केस वन कब था, जब आपको रियल पार्ट गिवन था तो उससे आपको एफ जेड और इमेजिनरी पार्ट निकालना था। केस टू में हमने इमेजिनरी पार्ट गिवन था और हमने एफ जेड और रियल पार्ट उससे निकालना था। केस थ्री आज हम करने जा रहे हैं जब आपको यू और वी गिवन नहीं है बट यू और वी में कोई रिलेशन गिवन है, तो होपफुली आपको ये भी समझ आ जाएगा अगर आपको पिछले लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और लेक्चर्स को ऑनलाइन ही देखिए यूट्यूब पे, सो दैट इट विल सपोर्ट मी एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सच लेक्चर्स इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ यू माइनस वी, तो आपको यू और वी नहीं गिवन है, आपको उनका डिफरेंस गिवन है, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं गिवन, उनका आपको डिफरेंस पता है। दैट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एफ जेड की वैल्यू है यू प्लस आइटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड द फंक्शन एफ जेड इन द टर्म्स ऑफ जेड। तो आपको वो एनालिटिक फंक्शन निकाल के देना है इन द टर्म्स ऑफ जेड। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है पीटीयू जालंधर में मई 2017 में, मुंबई यूनिवर्सिटी में ईयर 2008 में, वीटीयू बेंगलोर में ईयर 2007 में और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ईयर 2005 में। तो होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं मैं मैक्सिमम वो क्वेश्चन कवर करता हूं जो मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं या जो यूनिक होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड हो वीडियो लेक्चर्स में, तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे ईमेल कर दें, मेरी ईमेल आईडी mathcommentors@gmail.com। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप तो अगर ध्यान से देखें, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आपको u और v गिवन नहीं है, उनके बीच में रिलेशन गिवन है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। यानी आपको u प्लस v भी गिवन हो सकता है, 2u प्लस 3v भी गिवन हो सकता है, कुछ भी। तो यानी u और v में कोई भी रिलेशन आपको गिवन हो सकता है। दैट वाज योर केस 3 ऑफ मिलने थॉमसन मेथड। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसका फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर वन स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन नंबर वन है पार्शियली डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स एंड वाई। तो जो भी गिवन इक्वेशन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और वाई भी। तो अगर आप ध्यान से देखें यू माइनस वी जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, अगर आप इसको एज सच पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो जगह एक्स और वाई पड़े हैं। अगर आप इसके प्रोडक्ट पहले एक्सपेंड कर लें तो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं, मर्जी है आपकी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव करने से पहले मैं इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है, करें। यू माइनस वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्सपेंड करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, इसकी करोगे तो माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर आएगा और इसको करोगे तो माइनस वाई क्यूब आएगा। तो ये आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वाई की टर्म एक ये है कि ये है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर की टर्म एक ये है कि ये है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस का। तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर टू। आप डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते थे बट थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट, तो विद टू एक्स और वाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, करें तो इसका विद टू एक्स करो, यू का डेरिवेटिव विद टू एक्स करो, कर्ली बा कर्ली एक्स आएगा, माइनस वी का विद टू एक्स कर लोगे तो कर्ली वी बा कर्ली एक्स आएगा और यहां विद टू एक्स करोगे तो एक्स क्यूब कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर, वाई क्यूब का जीरो आएगा, इसका एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करोगे तो टू एक्स आएगा, तो ये सिक्स एक्स वाई बनेगा और यहां एक्स का वन आएगा तो माइनस थ्री वाई स्क्वायर आएगा। कर्ली बकर्ली एक्स माइनस कर्ली वी बकर्ली एक्स आ गया आपका, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद टू एक्स हो चुका है आपका, इसको इक्वेशन मान लेता हूं थ्री। अब विद टू वाई करो इसका, तो कर्ली बकर्ली वाई माइनस कर्ली वी बकर्ली वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जीरो, y क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर
इसका करोगे वाई का वन आएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, और यहां वाई का करोगे तो टू वाई आएगा तो सिक्स एक्स वाई हो गए। तो कर्ली वाई माइनस कर्ली वी बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर सेम रखा, पहले एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स वाई की, और फिर वाई स्क्वायर की, तो आपकी मर्जी। तो इक्वेशन नंबर फोर। तो ये अब फर्स्ट स्टेप हो चुका है क्वेश्चन का। तो स्टेप वन क्या था, पार्शियली डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विसेक टू बोथ एक्स एंड वाई। तो विसेक टू एक्स भी कर चुका हूं, विसेक टू वाई भी कर चुका हूं। अब सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप टू रिड्यूस ऑल द डेरेटिव टर्म। तो आपके पास चार डेरेटिव टर्म्स है, ध्यान दे देखिएगा, यू का विसेक टू एक्स, वी का विसेक टू एक्स, यू का विसेक टू वाई और वी का विसेक टू वाई। तो रिड्यूस ऑल द डेरेटिव टर्म्स आइदर इन कर्ली ब कर्ली एक्स, कर्ली ब कर्ली वाई, और कर्ली बी ब कर्ली एक्स, कर्ली बी ब कर्ली वाई बाय यूजिंग सीआर इक्वेशन। तो कहने का मतलब है इन चारों पार्शियल डेरेटिव को तो या तो सिर्फ यू की टर्म्स में बदल लो, या इन चारों पार्शियल डेरेटिव को सिर्फ वी की टर्म्स में बदल लो। ठीक है, तो या तो सारी जगह कर्ली ब कर्ली एक्स या कर्ली ब कर्ली वाई ही होना चाहिए, या सारे टर्म्स कर्ली बी ब कर्ली एक्स और कर्ली बी ब कर्ली वाई ही होनी चाहिए, दोनों वेरिएबल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वही करते हैं आप। सिंस द गिवन फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, आपको गिवन है क्वेश्चन में, सो इट मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस। तो सी आर इक्वेशंस क्या कहते हैं, यहां कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है यू का विसेक टू एक्स और वी का विसेक टू वाई बराबर होना चाहिए, और यू का विसेक टू वाई माइनस कर्ली वी पे कर्ली एक्स के बराबर होना चाहिए। तो ये आपको सी आर इक्वेशंस पता होंगी। अब तो आपको पता है इन दोनों सी आर इक्वेशंस का यूज करके चाहे तो आप चारों डेरिवेटिव टर्म्स को सिर्फ यू के डेरिवेटिव में बदल लेंगे या सिर्फ वी के डेरिवेटिव में बदल लेंगे, वो आपकी चॉइस है कि आपने किस में बदलना है, टोटली आपकी चॉइस है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। ठीक है, तो आप सिर्फ यू के डेरिवेटिव में रख सकते हैं या वी के डेरिवेटिव में। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग सी आर इक्वेशंस इन इक्वेशन थ्री वी गेट, अब मैं जो डेरिवेटिव के टर्म सारे यू में बदल रहा हूं, वो आपकी मर्जी है। तो कर्ली पकड़ ली एक्स एज इट इज माइनस कर्ली वी पकड़ ली एक्स, कर्ली वी पकड़ ली एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो होती है कर्ली यू पकड़ ली वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम थी थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वेयर। तो ये बचा कर्ली यू पकड़ ली एक्स प्लस कर्ली यू पकड़ ली वाई थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई। अगर ध्यान से देखें तो अब मेरे पास दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव है दोनों यू के हैं, तो इसको क्वेश्चन नंबर मान लेता हूं फाइव, क्योंकि फोर तक यूज हो चुके हैं। नाउ बाय यूजिंग सी आर इक्वेशंस इन इक्वेशन फोर वी गेट, ठीक है करें। तो इक्वेशन फोर क्या कहती है, यू कर्ली यू ब कर्ली वाई, मुझे इससे यू का डेरिवेटिव से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं सबको यू में बदल रहा हूं। कर्ली वी ब कर्ली वाई, कर्ली वी ब कर्ली वाई की वैल्यू है कर्ली यू ब कर्ली एक्स इज इक्वल टू राइट में थ्री एक्स स्क्वेयर पड़ा था माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वेयर, तो ये पड़ा ही था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो मैं डेरिवेटिव ऑफ विसेक टू एक्स फर्स्ट टर्म बना रहा हूं, ये बचा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वेयर। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सिक्स। तो आप चाहे तो यू के डेरिवेटिव्स को वी में बदल सकते हैं या वी के डेरिवेटिव्स को यू में बदल सकते हैं, मर्जी आपकी है, मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू में बदला है। ठीक है, क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई द न्यू इक्वेशंस। तो जो आपकी न्यू इक्वेशंस बन गई, ये दो नई फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन बन गई, उनको आपने सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आइदर कर्ली ब कर्ली एक्स एंड कर्ली ब कर्ली वाई। तो इन दोनों की वैल्यू, जो ये दो डेरिवेटिव बचे, इन दोनों की वैल्यू सेपरेट करनी है मुझे, कर्ली ब कर्ली एक्स की वैल्यू अलग आनी चाहिए और कर्ली ब कर्ली वाई की वैल्यू अलग आनी चाहिए। ठीक है, और
अगर v में बसता तो कर्ली v पकड़ ली x और कर्ली v पकड़ ली y की वैल्यू आएगी सेपरेटली। तो दोनों की वैल्यू मुझे इन दोनों की वैल्यू अलग अलग चाहिए और इन दोनों की वैल्यू अलग अलग चाहिए, तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है जब दो इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर कोएफिशिएंट बराबर ना हो तो आपस में मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट बराबर करके फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लकीली अगर मैं ध्यान से देखूं तो इक्वेशन 5 और 6 को अगर मैं सिंपली ऐड भी कर दूं तो कर्ली ऊपर कर्ली एक्स की टर्म कट जाएगी। तो कर्ली पकड़ ली एक्स की जब टर्म कट जाएगी तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, कर्ली पकड़ ली वाई। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट करने से कर्ली पकड़ ली वाई कट जाएगा और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कर्ली पकड़ ली एक्स की। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब करें नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, तो 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं, करें ऐड, तो इन दोनों को ऐड करो, कर्ली पकड़ ली एक्स प्लस कर्ली पकड़ ली वाई, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, प्लस कर्ली पकड़ ली एक्स प्लस कर्ली पकड़ ली वाई, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर ली और राइट राइट, तो 3x² प्लस 6xy माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस 6xy माइनस 3y². अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म्स कट गई, तो मेरे पास बचा 2 कर्ली पकड़ ली y इज इक्वल टू, अगर आप अगेन राइट में भी देखें तो 6xy से 6xy कट गया, तो बचा कितना, ये आया 6x² माइनस 6y², तो ये आया कर्ली पकड़ ली y आया 3x² माइनस 3y². ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 मान लेता हूं, क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, या जो मेरी कर्ली पकड़ली वाई की वैल्यू आई वो मैं किसी इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 में से किसी एक में पुट कर सकता हूं, वहां से मेरी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, वो मर्जी आपकी है। मैं क्या कर रहा हूं, कर्ली पकड़ली वाई की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर रहा हूं। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कर्ली पकड़ली वाई इन इक्वेशन 5 वी गेट, तो इक्वेशन 5 पुट करेंगे तो कर्ली पकड़ली एक्स एज इट इज प्लस कर्ली पकड़ली वाई की वैल्यू, कर्ली पकड़ली वाई की वैल्यू है 3x² माइनस 3y² इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, 3x² माइनस 6xy माइनस 3y², वो आर राइट हैंड साइड एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कर्ली पकड़ली एक्स, तो अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट में 3x² है राइट में 3x² है, कट जाएंगे, लेफ्ट में माइनस 3y² है राइट में माइनस 3y² है, तो कट जाएंगे, तो कर्ली पकड़ली एक्स की वैल्यू बची माइनस 6xy। ठीक है, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, आसान सा किया है। ठीक है, मैंने एक आसान सा क्वेश्चन पिक किया है इस कंसेप्ट केस 3 को समझाने के लिए, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट, मुश्किल क्वेश्चन पे तो आप खुद ही इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक, तो अगर आप अब आप स्टेप 3 को ध्यान से देखें, सिंप्लीफाई द न्यू इक्वेशंस टू फाइंड वैल्यूज ऑफ आइदर कर्ली पकड़ली एक्स एंड कर्ली पकड़ली वाई, वो निकाल ली, और वी में मानते तो वी की डेरिवेटिव निकालते सेपरेटली, देन लेट देम फाई एंड साई, अब इसके बाद उनको या तो फाई मानना है या साई मानना है, और उसके बाद मिलने थॉमसन मेथड यूज करना है जैसे तुम करते थे। तो अगर आपको ध्यान हो यू को आप हमेशा मानते हैं फाई, यू क्या होता है फाई, बट ये खाली यू नहीं है, यू का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ पड़ा है रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये फाई वाई हो गया, समझो इस बात को, तो यू का मतलब फाई होता है, मैं बता भी चुका हूं पहले, और ये पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई है इसलिए फाई वाई है ये डायरेक्ट, तो यहां आपको फाई नहीं मिला, फाई वाई मिला डायरेक्ट, तो ये बचा 3x² माइनस 3y², तो मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन 9। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें u है तो इट विल बी टेकन एज phi, और डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x हुआ पड़ा है तो इट विल बी टेकन एज phi x xy इज इक्वल टू माइनस 6xy, इक्वेशन नंबर 10। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा, मेरे को यू और वी नहीं पता थे बट उनके डेरिवेटिव्स पता लग गए,
उनको फाइव एक्स फाइव वाई मान सकते हो या साई एक्स साई वाई मान सकते हो अगर आपने वी में किया। अब आपको पता है कि फाइव एक्स और फाइव वाई निकलने के बाद क्या करते हो, नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 9 and 10 वी गेट करेक्ट। तो फाइव एक्स जेड जीरो, तो एक्स की जगह जेड पुट करो वाई की जगह जीरो पुट करो तो ये आएगा जीरो, और फाइव वाई जेड जीरो में एक्स की जगह जेड पुट करोगे वाई की जगह जीरो पुट करोगे तो ये आएगा बचेगा थ्री जेड स्क्वेयर। और खुली समय में आगे होगा कि कैसे थ्री जेड स्क्वेयर बचा, क्योंकि थ्री वाई स्क्वेयर तो जीरो हो जाएगा। तो अब मेरे पास फाइव एक्स जेड जीरो फाइव वाई जेड जीरो आ चुके हैं। इसके बाद आपको पता है नाउ बाय मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है आपको, एफ जेड की वैल्यू क्या देता है जब फाई आपके पास हो। तो फॉर्मूला होता था फाई एक्स जेड जीरो माइनस आयोटा फाई वाई जेड जीरो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको पता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फाई एक्स जेड जीरो की वैल्यू कितनी है जीरो, माइनस आयोटा फाइव वाई जेड जीरो की वैल्यू कितनी है थ्री जेड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन विसेक टू जेड प्लस सी। तो माइनस आयोटा बाहर थ्री जेड स्क्वेयर बचा, थ्री जेड स्क्वेयर में जेड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आया जेड क्यूब बाय थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो ये बचा माइनस आयोटा जेड क्यूब प्लस सी। आप चाहे तो नेगेटिव टर्म दूसरी रख लें दूसरी, तो यह आया आपका एफ जेड। आपने सिर्फ एफ जेड ही निकालना था आंसर में। अगर आपको वो कहता कि आपको रियल पार्ट और रिमेनिंग पार्ट भी चाहिए, तो आपको पता है यहां जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके आप एक्सपेंड करके यू और वी की वैल्यू भी निकाल के दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट ब्रीफ कर देते हैं सो दैट यू विल गेट ना गुड आइडिया अबाउट द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आपको गिवन है यू माइनस वी की वैल्यू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको यू और वी गिवन नहीं है, यू और वी में रिलेशन गिवन है। तो ये है केस थ्री आपका मिलने थॉमसन मेथड का। तो स्टेप क्या बताया, सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए गिवन इक्वेशन को विसेक टू एक्स और वाई। तो पहले मैंने यू और वी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया कि डेरिवेटिव होने आसान हो जाए, बट जी आपकी इस पे आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते थे। तो उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसका विसेक टू एक्स और पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसको विसेक टू वाई। तो पहला स्टेप खत्म हो गया। उसके बाद स्टेप टू क्या था, सारे डेरिवेटिव टर्म्स को या तो आप कर्ली यू बाय कर ली एक्स कर ली यू बाय कर ली वाई में चेंज कर लें, या कर्ली बी बाय कर ली एक्स और कर्ली बी बाय कर ली वाई में चेंज कर लें बाय यूजिंग सीआर इक्वेशन। तो मेरे को सीआर इक्वेशंस की हेल्प से यू और वी के डेरिवेटिव्स में रिलेशन पता है, आप उनका यूज करते हुए इन चार डेरिवेटिव टर्म्स को कर्ली बाय कर ली एक्स कर्ली बी बाय कर ली एक्स कर्ली बाय कर ली वाई कर्ली बी बाय कर ली वाई को आप सिर्फ या तो यू के डेरिवेटिव्स में बदल सकते हैं या सिर्फ वी के। तो मैंने अपने क्वेश्चन में यू के डेरिवेटिव में बदला है, तो मैंने वी के डेरिवेटिव को रिप्लेस कर दिया। तो यहां भी वी के डेरिवेटिव को रिप्लेस किया और यहां भी वी के डेरिवेटिव को रिप्लेस किया। उसके बाद स्टेप थ्री, आपके पास जो नई इक्वेशन बनी उनमें से आपको कर्ली बकर्ली एक्स और कर्ली बकर्ली वाई की वैल्यू अलग अलग निकाल लेनी है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और यहां से कर्ली बकर्ली एक्स और कर्ली बकर्ली वाई की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इनको सिंपली ऐड कर दें तो आप एक बार कर्ली बकर्ली एक्स कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आई कर्ली बकर्ली वाई की, और या आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कर्ली बकर्ली वाई कट जाएगा, कर्ली बकर्ली एक्स की वैल्यू आपको आ जाएगी। मैंने ऐड किया सबसे पहले, तो जब उनको ऐड किया तो मेरे पास कर्ली बकर्ली वाई की वैल्यू आ गई, और जो कर्ली बकर्ली वाई की वैल्यू आई मैंने ठाके इक्वेशन फाइव में उसको दोबारा पुट कर दिया, तो यहां से आपकी कर्ली बकर्ली एक्स निकल गया। तो जैसे मर्जी करके कर्ली बकर्ली एक्स निकालो कर्ली बकर्ली वाई निकालो। अब यहां मेन एक ट्रिक है, इसके बाद आपने स्टेप थ्री में वो कहता है कि इसको फाई या साई में बदलना है। आपको पता है यू है तो ये फाई में बदलेगा, वी होता तो ये साई में बदलता। उसके अलावा खाली यू नहीं है, यू गट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो इसका मतलब ये फाई वाई है, और यू यू का मतलब फाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब फाई एक्स। तो ये दो पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। इसके बाद जैसे ही आपको पता है फाई एक्स फाई वाई आपके पास है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पता होते हैं कि एक्स की जगह जेड पुट करते हैं और वाई की जगह जीरो पुट करते हैं। तो एक्स की जगह जेड पुट किया और वाई की जगह जीरो पुट किया दोनों इक्वेशन में, वहां से मेरा फाइव एक्स जेड जीरो आ गया, फाइव वाई जेड जीरो आ गया। उसके बाद आपको पता है मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, जब भी आपको फाइव की टर्म्स में फंक्शंस पता हो तो एफ जेड की वैल्यू होती है फाइव एक्स जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव वाई जेड जीरो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। तो वैल्यू पुट की फाइव एक्स जेड जीरो की फाइव वाई जेड जीरो की, और उसको जितना सिंप्लीफाई हो सका कर लिया, और फाइनली आपको आंसर जेड की टर्म्स में ही चाहिए।
आपको आंसर डेड की टर्म्स में ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। अगर वो इसके बाद ये भी कहता कि यू और बी की वैल्यू अलग अलग निकाल के दो, तब भी मैं निकाल सकता था, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। तो दैट्स दैट वॉज द केस थ्री ऑफ मिलने थॉम्सन मेथड, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हमारा मिलने थॉम्सन मेथड खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगर हमें यू और बी पोलर फॉर्म टर्म्स में गिवन हो उससे एफ जेड या दूसरा फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैं कार्टेशियन फॉर्म पे भी एक न्यूमेरिकल और सोल्व करके दिखाऊंगा फॉर द गिवन रियल और रिमेनिंग पार्ट बाय यूजिंग सीआर इक्वेशन। मिलने थॉम्सन मेथड से मैं प्रूव कर चुका हूं, अब मैं विदाउट मिलने थॉम्सन भी आपको एक न्यूमेरिकल करा के दिखा दूंगा, सो दैट आपको दोनों तरीके पता लग जाए और आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा तरीका आसान है, विद मिलने थॉम्सन मेथड और विदाउट मिलने थॉम्सन मेथड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगेन अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और स्टिल अगर कोई पॉइंट ऑफ डाउट बचता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए या कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।